अजमेर के किशनगढ़ में एटीएस और पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन करते हुए अफीम तस्करी के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल एटीएस को खबर मिली थी कि एमपी मंदसौर से कार में सवार 3 युवक भारी मात्रा में अफीम की सप्लाई करने पहुंच रहे हैं, जिसकी खबर एटीएस ने पुलिस को दी। पुलिस ने जब कार का पीछा किया तो पता चला कि ये लोग मारकी निवासी मुकेश यादव को अफीम सप्लाई करने आए थे। इसके बाद पुलिस चुनरी गांव के पास 4 आरोपियों को दबोच लिया। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि तीनों युवक और मुकेश 1 किलो अफीम की खेप देने आए थे, वहीं 800 ग्राम अफीम किसी और को देने की बात सामने आई है। फिलहाल पुलिस ने नारकोटिक्स एक्ट में मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है।